इंडोनेशिया ने इस मामले से परिचित चार वरिष्ठ इंडोनेशियाई अधिकारियों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने P-8 पोसिडोन समुद्री निगरानी विमानों को उतरने और फिर से ईंधन भरने की अनुमति देने के एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने जुलाई और अगस्त में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से पहले इंडोनेशिया के रक्षा और विदेश मंत्रियों के लिए कई उच्च स्तरीय दृष्टिकोण बनाए, इस अनुरोध को रद्द कर दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री अमेरिकी विदेश विभाग के प्रेस कार्यालय और जकार्ता में अमेरिकी एम्बेसी के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के विनती का जवाब नहीं दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मासुडी के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। प्रस्ताव जो अमेरिका और चीन के रूप में आया ने दक्षिण पूर्व एशिया में प्रभाव के लिए अपनी प्रतियोगिता को बढ़ाया, इंडोनेशिया की सरकार को आश्चर्यचकित किया, अधिकारियों ने कहा, क्योंकि इंडोनेशिया में विदेश नीति तटस्थता की एक लंबी नीति है। देश ने कभी भी विदेशी आतंकवादियों को वहां काम करने की अनुमति नहीं दी है। P-8 दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य गतिविधि पर नजर रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसमें से अधिकांश बीजिंग संप्रभु क्षेत्र के रूप में दावा करता है। वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनाई के पास संसाधन समृद्ध पानी के लिए प्रतिद्वंद्वी दावे हैं, जिसके माध्यम से हर साल $3 ट्रिलियन मूल्य का व्यापार गुजरता है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग में इंडोनेशिया एक औपचारिक दावेदार नहीं है, लेकिन दक्षिण चीन सागर के एक हिस्से को अपना मानता है। इसने नियमित रूप से चीनी तटरक्षक जहाजों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को एक क्षेत्र से खदेड़ दिया है, जिस पर बीजिंग का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक दावा है। देश में चीन के साथ आर्थिक और निवेश संबंध भी बढ़ रहे हैं। यह संघर्ष में पक्ष नहीं लेना चाहता है और दो महाशक्तियों के बीच बढ़ते तनाव से चिंतित है, और दक्षिण चीन सागर के सैन्यकरण द्वारा रिटेनो ने राइटर को बताया। हम इस प्रतिद्वंद्विता से फंसना नहीं चाहते हैं, रेटो ने सितंबर की शुरुआत में एक साक्षात्कार में कहा था। इंडोनेशिया वह सब दिखाना चाहता है जो हम आपके साथी बनने के लिए तैयार हैं। चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने में अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों के बीच रणनीतिक आत्मीयता के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व इंडोनेशिया के राजदूत डिनो पट्टी जियालाल ने कहा, अमेरिका की बहुत आक्रामक चीन विरोधी नीति ने इंडोनेशिया और क्षेत्र को अयोग्य बना दिया है, यह बाहर के रूप में देखा जाता है। उन्होंने राइटर को बताया, हम चीन विरोधी अभियान में फंसना नहीं चाहते हैं। बेशक हम अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं, लेकिन गहरा आर्थिक जुड़ाव है और इंडोनेशिया के लिए चीन अब दुनिया का सबसे प्रभावशाली देश है। 2014 में अमेरिका ने एक चीनी लड़ाकू जेट पर 20 फीट के भीतर आने और दक्षिण चीन सागर में गश्त करने वाले P-8 पर बैरल रोल निष्पादित करने का आरोप लगाया। चीन ने अमेरिका की शिकायत को आधारहीन बताया।